मम्मी, आज तो आप बोल ही दो कि आपकी बेटी की कलाकारी तो आपसे भी आगे निकली और मैंने तो वो कर दिखाया है जो आपके पूज्य दामाद जी मतलब मोदी खानदान का बेटा भी नहीं कर पाया। देखा ना आपने, चाबियों का गुच्छा सीधे मेरे हाथ में। अब आप देखना इन मोदियों के खजाने को मैं कैसे सेंग लगाती हूँ। वैसे मम्मी, इसमें से एक चाबी तिजोरी की तो होगी ना? हाँ हाँ, तेरे मुंह में घी शक्कर। मम्मी, अब देखना उस गोपी को मैं ऐसे उठक बिठक कराऊंगी ठीक उसी तरह जैसे अपने घर में कराया करती थी। मैं तो उसे सांस लेने का मौका ही नहीं दूंगी। अब तो वो कागड़ी भी कुछ नहीं बोल पाएगी, खुद ही अपने हाथ जो काट बैठी है। बैठी रहे और करती रहे काँव काँव काँव। अरे भाई साहब, कुछ होगा तो नहीं ना? राशि, बड़ा मजा आ रहा है, तू तो जन्नत में ले आई बेटी। लगता है पिछले जन्म में कुछ पुण्य जरूर किए होंगे जो तेरी जैसी बेटी मिली। राशि अभी तक आई नहीं। काकी जी, अगर आप गए तो मैं राशि पे इनको फोन लगाओ। कितना हुआ? 2,500। ओके। राशिबेन। गोपी, गोपी जल्दी मेरे लिए सूप ला। तैयार है कि नहीं? एक मुझे बहुत भूख लग रही है। राशिबेन वो अब वो क्या लगा रखी है? जा मेरे लिए सूप ले आ और मेरे लिए खाना भी। मम्मी जी, वो ट्रैफिक की वजह से थोड़ी देरी हो गई और वो लंच के बाद मैंने कुछ खाया भी नहीं। थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा देर हो गई है राशि।
यहाँ सबको इतनी भूख लगी है, सिर्फ तुम्हें ही नहीं, क्योंकि खाने का समय हो चुका है। लेकिन घर में खाना बनना तो दूर की बात, सोचा तक नहीं गया है कि खाने में क्या बनेगा। क्योंकि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है ना राशि। अच्छा मैं तुमसे एक छोटा सा सवाल पूछती हूँ, जिसका एक छोटा सा उत्तर दे देना। जिम्मेदारी का मतलब जानती हो तुम? बताती हूं, जिम्मेदारी का मतलब होता है पूरे घर की जिम्मेदारी, घर में रहने वाले लोगों की जिम्मेदारी, उनके खाने पीने, कपड़े ओढ़ना, रहना, सारी जिम्मेदारी, सब कुछ। इन सब की जिम्मेदारी तुम पर है राशि। अभी तुम सूप सूप चिल्ला रही थी ना, वो सूप जिस रसोड़े में बनता है, उस रसोड़े में क्या सामान है, क्या सामान नहीं है, और घर के सारे लोगों की खाने में क्या पसंद है, ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी है राशि। मतलब घर के रसोड़े से लेकर घर की साफ सफाई और रसोड़े का काम, ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी है, समझी? अब ऐसे क्या खड़ी हो, जाओ जाकर खाना बनाओ। ऑफिस से सब आते होंगे, हम सबको भी भूख लगी है, और फिर तुम्हारे पास खाना बनाने के लिए सिर्फ 1 घंटा है राशि। इसलिए जल्दी से रसोड़े में जाओ और खाना बना लो। अरे वाह, ये नाखून पर तो बड़ा अच्छा रंग लगवाया तुमने। देखिए मोटा भाभी, है ना? पर क्या है ना राशि, तुम्हारे नखरे और साज श्रृंगार में पूरा परिवार भूखा तो नहीं बैठ सकता है, है ना? इसीलिए कह रही हूं रसोड़े की तरफ बढ़ो जल्दी, और याद रखना तुम्हारे पास कितना समय है, सिर्फ 1 घंटा। दौड़ो दौड़ो जल्दी।